My name is Abhinandan and the first one is ye un dino ki baat hai. So basically I'm comparing 90s with today's. ये उन दिनों की बात है जब लोग उंगलियों से नहीं जुबान से बातें करते थे, इनकी पिंकी प्रॉमिस नहीं असली वादे करते थे। दिवाली की मिठाइयाँ सब साथ में बनाते थे, एक आधे लड्डू बीच में ही खा जाते थे, खुद नहीं पूरे मोहल्ले को अपनी मिठाई चखाते थे, मिठाई खाकर सिर्फ एक ही चीज जुबान पर लाते थे। वाह क्या बात है, तुम क्या समझोगे, ये उन दिनों की बात है। दिनों की बात है, पहले हर समस्या पूरे मोहल्ले की होती थी, फिर उस समस्या पर 3-4 घंटे बातें पक्की होती थी। दिलासे में सिर्फ इतना ही कहते थे, डरो मत हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम क्या समझोगे, ये उन दिनों की बात है। ये उन दिनों की बात है जब लोग छोटे मकानों में रहा करते थे, जिंदगी अपन से ज्यादा जिया करते थे। आज के मकानों में कहां कुछ बात है, तुम क्या समझोगे, ये उन दिनों की बात है। आज की तरह पहले 40 इंच के पतले डब्बे ना हुआ करते थे, पहले के जमाने पर तो टीवी पर भी दरवाजे हुआ करते थे, हर शाम को परिवार के साथ टीवी चलाना था, पर इससे पहले जाकर छत पर एंटीना भी तो हिलाना था। रेल व हवाई जहाज तो बहुत बाद में आए थे, इससे पहले तो पांव निकल आए थे। एक घंटे का सफर पहले 2 दिन का होता था, चलते चलते रात हो जाए तो इंसान ट्रक के पीछे लिफ्ट मांग सोता था। आज की मॉर्निंग वॉक में कहाँ कुछ बात है, तुम क्या समझोगे, ये उन दिनों की बात है। सो थैंक यू एंड आई बेसिकली रोट दिस ऑन फादर्स डे, तो अब तो चला गया तो एक बार वापस कर दे। सो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम विद द स्टोरी। क्यों ना आज पापा से बात की जाए, क्यों ना आज पापा से बात की जाए, वो बचपन की खट्टी मीठी यादें याद की जाए, जो गलतियां आज तक की है उन्हें स्वीकार की जाए, क्यों ना आज पापा से बात की जाए। मेरे पापा को चाय बड़ी पसंद है, तो मैंने एक कप चाय अपने हाथों से बनाकर नई छलनी से छान कर भगोनी से छलनी की तरह प्यारे से कप में खसका कर एक कड़कती चाय बनाई, और वो चाय सबका ध्यान खींच लाई, पापा का नहीं। चाय एक कप और एक प्लेट के बीच में तालमेल बनाते हुए मैं पापा के पास गया। मैंने चाय का कप पापा के पास ड्रॉर पर रखा ही था कि इतने में पापा बोले, काम बताओ। दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि पापा अब मुझे से पापा को लगता है मैं उन्हें सिर्फ मुसीबत में याद करता हूँ। मैंने पापा को बोला, कुछ नहीं, आज आपकी याद बड़ी आ रही थी तो मैं आपके पास आकर बात करने आया हूँ। पापा ने इतने में चाय का पहला सिप लिया, बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मैं उस चाय को और उस चाय के कप पर चाय के धब्बे को निशान देखता रह गया। मैं उठ ही रहा था कि इतने में पापा वापस आए, उनके हाथ में एक लाल पोटली, पोटली पे एक साधारण सी गांठ और उस पोटली में चले के निशान। मैंने पापा से पूछा, ये क्या लिया। पापा ने बोला, इसे खोल। मैंने खोला तो उसमें एक एल्बम था, उस एल्बम में सिर्फ एक फोटो और उस फोटो के अलावा बाकी सारे पन्ने खाली। मैंने पूछा, ये क्या है। पापा ने बोला, उस फोटो में एक बच्चा एक जवान आदमी को कप थमा रहा था। मैंने पूछा, कौन है ये। उन्होंने बोला, ये तू है, याद है जब तूने एक बार चाय पत्ती की जगह राई डाल दी थी, फिर भी मैंने पी थी। ठीक 13 मिनट बाद पापा फिर बोले, पहली तस्वीर को जरा गौर से देख। मैंने उसे फिर गौर से देखा और मैं भी हंस पड़ा। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया और मैं वापस से बाहर निकल गया और कागजात पर साइन करके मैं गाड़ी में बैठ गया। मैं गाड़ी पर बैठा ही था कि अंदर से एक आदमी आया, सफेद सफारी सूट, काले बाल, एकदम तेज गति से मेरी तरफ आकर उन्होंने बहुत प्यार से गेट खोला और अंदर आकर मेरे हाथ पर स्टेयरिंग पे हाथ रखा और बोले, वृद्धाश्रम की चाय इतनी अच्छी नहीं,